नमस्कार, मैं हूं ज्योति कनौजिया। जांजगीर चांपा से आ रही है बड़ी खबर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त आई मौत, मोबाइल पर बात कर रहा था युवक, पीछे से आई ट्रेन ने चपेट में लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक युवक की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई है। वो वीडियो कॉल पर बात करते करते रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तभी पीछे से आई मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसा नैली चौकी क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक बोरचरा निवासी मयंक यादव 23 वर्षीय शनिवार रात को अपने दो दोस्तों के साथ नहरिया बाबा मंदिर की तरफ बैठा हुआ था। यहां बैठने के बाद सभी रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मयंक के साथियों ने तो ट्रैक पार कर लिया था, मगर मयंक को किसी का फोन आ गया था तो वह फोन पर बात करने लगा। दूसरी तरफ उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसी बीच अचानक से मालगाड़ी आ गई और मयंक उसकी चपेट में आ गया। शव का रविवार को पोस्टमार्टम किया गया। घटना के बाद युवक को किसी तरह से अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अब रविवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया गया है कि मयंक बोरसरा गांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। फिलहाल पुलिस इस केस में जांच कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए जैक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।